नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने बेहद खास मंत्री पार्थ चटर्जी को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा। पार्थ चटर्जी को शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसी ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेसी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर हंगामा करने उतर पड़े। ईडी की गिरफ्त में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन भी हैं, जिनके घर से बरामद नोटों के बंडल और सोने के खजाने की तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। ईडी के चंगुल में फंसे महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख और नवाब मलिक जमानत के लिए तरस रहे हैं और अनिल परब और अजीत पवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। वहीं शिवसेना के संजय राउत पर भी ईडी की जांच का डंडा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी ईडी की आहट का डर सता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द न खाऊंगा न खाने दूंगा इन दिनों साकार होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने इन दिनों देश के कई राज्यों में खलबली मचा रखी है। वैसे तो ईडी उन सभी पर कार्रवाई करती है जो मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के हेरफेर के अपराध से जुड़े हैं, लेकिन इन दिनों विशेष तौर से विपक्षी दलों के अंदर ईडी आतंक का दूसरा नाम बन चुकी है, जैसा कि गहलोत जी भी बोल रहे थे। क्योंकि हाल में ईडी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी तक के बड़े बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा है। ईडी की जांच की आंच आई तो सारे विपक्षी दलों को ईडी ही खटकने लगी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के पास काफी अधिकार होते हैं, ऐसे अधिकार जिससे बचने के लिए नेताजी की नेतागिरी काम नहीं आती तो वो राजनीति शुरू कर देते हैं, खुद को सत्ता का शिकार बताने लगते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। लेकिन क्या एक स्वतंत्र एजेंसी ईडी की कार्रवाई को सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना बताकर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या ईडी जो जांच कर रही है उसे विपक्ष के विरोध में अपनाया हथकंडा बताकर नकारा जा सकता है? क्या इनके खिलाफ ईडी जो सबूत इकट्ठा कर रही है और दिखा रही है उसे सरकार की तानाशाही बताकर खारिज किया जा सकता है? क्या राजनीतिक लड़ाई की आड़ लेकर कानून के हिसाब से काम कर रही ईडी पर सवाल उठाया जा सकता है? अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट उन करीब 250 याचिकाओं को सिरे से खारिज नहीं करता जो ईडी के अधिकारों के विरोध में दायर की गई थी। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी की कार्रवाई के तहत जेल जा चुके कांग्रेस नेता चिदंबरम सहित करीब 250 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की शक्तियों जैसे कि गिरफ्तारी के अधिकार, संपत्ति जब्त करने के तरीके और जमानत आदि को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस समेत उन सभी राजनीतिक पार्टियों को तगड़ा झटका दिया है जिनके नेता ईडी की गिरफ्त में हैं या फिर उसकी रडार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को सही बताते हुए उन्हें बरकरार रखा है। अब सवाल यह है कि क्या एक स्वतंत्र एजेंसी ईडी ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है या कर रही है वो सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से सरकार करवा रही है? क्या वो भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए नहीं है? और क्या एनडीए का कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? क्योंकि ईडी को लेकर यही कहा जा रहा है कि वो सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। ईडी के काम करने के तरीके पर बात करने से पहले जरा एक बार ईडी की कार्रवाई के दौरान मिलने वाले सबूतों और तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। ताजा मामला तो पश्चिम बंगाल के टीएमसी के मंत्री पार्थ चटर्जी का ही है। क्या पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिल रहे कई किलो सोना और 50 किलो रुपए के ढेर झूठे हैं? अर्पिता मुखर्जी का ईडी के सामने ये स्वीकार करना कि ये पैसा पार्थ चटर्जी का है, क्या ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या करोड़ों रुपए जो जब्त किए जा रहे हैं वो बीजेपी या ईडी ने रखे हैं? यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी अपनी पत्नी रुजीरा बनर्जी के साथ कथित कोयला तस्करी मामले में ईडी की जांच के घेरे में हैं और इस मामले में अभिषेक बनर्जी से ईडी दो बार पूछताछ भी कर चुकी है। क्या हजारों करोड़ के कोयला तस्करी के मामले में ईडी बिना सबूतों के अभिषेक बनर्जी तक पहुँच सकती है? अगर ईडी अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करती है तो क्या ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी की तरह ही अपने भतीजे को भी जांच पूरी होने तक पार्टी से निलंबित कर पाएंगी?
ये ईडी का ही चाबुक है जिसके असर से सड़क पर बैठे राहुल गांधी की इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी की सड़क पर बैठी तस्वीर से कर दी और एक बार फिर राहुल गांधी को जनता का नेता दिखाने की नाकाम कोशिश करती हुई वो दिखाई दी। सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग की पूछताछ के लिए बुलाया गया तो इंदिरा की बहू बताकर दंभ दिखाने की कोशिश की गई। सोनिया गांधी को एक बीमार बुजुर्ग महिला बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के सामने पेशी का विरोध करती हुई कांग्रेस दिखी, जबकि दोनों माँ बेटे इसी मामले पर जमानत पर हैं, तो जांच तो होनी ही थी। गांधी परिवार उपासक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक तरह से सोनिया और राहुल की चरण चाट वंदना का कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मां बेटे से पूछताछ करने बुलाती है और उधर पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पर कूद पड़ते हैं, होड़ लगाने लगते हैं। हाल ये था कि जिस कांग्रेसी को पुलिस हिरासत में नहीं ले रही थी वो मानो सोच रहा हो कि क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है कि गांधी परिवार के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस का विरोध करके हिरासत में भी नहीं लिया गया। जबकि पिछले 8 साल में कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता एक भी सामाजिक या जनता के मुद्दे को लेकर कभी सड़कों पर इस तरह नहीं उतरे, उतरते तो आज कांग्रेस के हाल इतने बेहाल नहीं होते। यही वजह है कि जनता में भी कांग्रेसियों के इस सिंपथी स्टंट से कोई उन्हें सहानुभूति मिलती नहीं दिखाई दी। कुल मिलाकर ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया पर कांग्रेस की सड़क छाप राजनीति ने मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले को हल्का करने की एक असफल कोशिश की। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और हर साल राजनीति में रीलॉन्च होने वाले उनके पुत्र राहुल गांधी को सिर्फ पूछताछ पर इतना तमाशा खड़ा करवाने की क्या जरूरत थी। इसी तरह कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, जिन्हें ईडी ने आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिम मामले में गिरफ्तार किया था और अब वो भी जमानत पर हैं, तो क्या उनकी जांच पूरी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के सुपुत्र कीर्ति चिदंबरम भी ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के चक्कर काटते दिखे, जिन पर यूपीए के कार्यकाल में जब इनके पिताजी मंत्री थे 50 लाख रुपए की रिश्वत लेकर चीनी श्रमिकों को वीजा देने का आरोप है जिसकी जांच ईडी कर रही है। क्या ये पूरा सच सामने नहीं आना चाहिए। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने ईडी का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार गिरा दी। अब भले ही ये केंद्र सरकार पर ईडी के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाएं, लेकिन इस सच को कैसे नकारेंगे कि सारी पोल खोल तो इनके अपने माने जाने वाले मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह और सस्पेंशन से रहस्यमय तरीके से बहाल किए गए असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गवाही ने की थी, जिन्होंने खुद ही बताया था कि कैसे अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के घर से नोटों की गड्डियां और सोने की ईंटें जो ईडी ने बरामद की हैं, उनका हिसाब देने में सत्येंद्र जैन की याददाश्त क्यों चली गई। अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेताओं की ईमानदारी की जांच होनी चाहिए या नहीं। जम्मू कश्मीर में जेकेसीए के प्रमुख रहते हुए फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में 43 करोड़ की अनियमितता पाई जाती है तो ईडी जांच करेगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या जिन लोगों पर ईडी कार्रवाई कर रही है उनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग या भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत मिल रहे हैं या नहीं। अगर ईडी गिरफ्तार करती है या जांच करती है तो क्या वो बिना किसी जांच या सबूतों के ये कार्रवाई कर रही है सिर्फ इसलिए कि फंसने वाले सारे आरोपी विपक्षी दलों के नेता हैं। क्या ईडी की कार्रवाई और नेताओं के खिलाफ मिल रहे सबूतों को ही गलत ठहराया जा सकता है। ईडी आर्थिक अपराधों की जांच करने के लिए मनी ट्रेल को फॉलो करती है, जब तक पुख्ता साक्ष्य ना हो वो गिरफ्तार नहीं करती। यही वजह है कि ईडी के छापे और जांच के नाम से अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी और पुलिसिया गिरफ्तारी में फर्क होता है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है किसी भी राज्य में जाकर। पूछताछ के दौरान जो बयान आरोपी दर्ज करवाता है वो रिकॉर्डेड होते हैं और कोर्ट में मान्य होते हैं, जबकि पुलिस के सामने आरोपी का दिया गया बयान मान्य नहीं होता। ईडी संपत्ति की कुर्की और जब्ती के अधिकार रखती है, साथ ही इसमें जमानत के नियम बेहद कड़े हैं। यही वजह है कि ईडी की पूछताछ और गिरफ्तारी से हड़कंप मच जाता है और यही वजह है कि इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग पार्टियों के सारे नेता जो ईडी की गिरफ्त या जांच के दायरे में आए हैं उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। अब सवाल यह है कि ईडी सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर छापे क्यों मार रही है, क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नेता नहीं है। तो ये सवाल यूपीए सरकार से पूछा जाना चाहिए कि जब वो 10 साल सत्ता में थे तब ईडी क्या कर रही थी, तब भी तो ईडी थी।
उन्हें बीजेपी में कोई भ्रष्ट नेता क्यों नहीं मिला, और अगर मिले थे तो क्यों उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी को नहीं घेरा। वो बीजेपी जो 2014 से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लेकर चल रही है, ऐसे में अगर उसी के नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचार करते पकड़े गए तो इस मुहिम पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये बीजेपी का संभल कर चलने जैसा कदम है। रही बात एजेंसियों के दुरुपयोग की, तो ये कड़वा सच है कि जो सत्ता में होता है उसे कुछ फायदा तो मिलता ही है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के खुलासे का पूरा मौका होता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपीए के शासनकाल में कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, रेलवे घुस घोटाला सब सामने आए थे। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसे जमकर भुनाया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद से विपक्ष चौकीदार चोर है, अडानी अंबानी की सरकार जैसे जुमले तो दे देता है, लेकिन इन्हें साबित करते साक्ष्य, तथ्य या जांच की मांग तक नहीं करता। उल्टा खुद के लिए भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाने के लिए सड़कों पर संग्राम करने उतर जाता है, जिससे एक कमजोर विपक्ष की छवि साफ दिखाई देती है। ईडी की जांच के नाम पर हंगामा मचाकर जनता के बीच विपक्ष खुद ही अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संदेह को पैदा कर देता है और जाने अनजाने बीजेपी को ही मजबूत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पांच जने के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।